हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आपको बताएंगे टॉप 3 बेस्ट फ्लैगशिप कैमरा स्मार्टफोन जो कि आपको अंडर 15,000 के देखने को मिल जाएंगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप कोई 15,000 के आसपास कोई बेस्ट फ्लैगशिप ऑलराउंड स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, लाइक आपको किसी भी फीचर के अंदर कंप्रोमाइज करना ना पड़े, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 3 स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, एनालिसिस एंड रिव्यू करने के बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये तीनों स्मार्टफोन हमने रैंकिंग वाइज नहीं रखे हैं, बिकॉज अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से और अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से तीनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं, लाइक तीनों स्मार्टफोन बेटर वैल्यू फॉर मनी है। अब दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्मार्टफोन रहता है रियलमी की तरफ से 9i 5G। मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रूली 5G स्मार्टफोन है, लाइक रियलमी की तरफ से अंडर 15,000 में काफ़ी अच्छा आपके लिए बेटर ऑप्शन रह सकता है। टॉप नॉच लेवल के आपको फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है IPS LCD 6.6 इंचेस की, जिसके अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट, साथ ही 85.0% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। डिस्प्ले के अंदर आपको पेंडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, नो डाउट। ऑक्टा कोर मीडिया टेक डायमेंसिटी 810 6nm के साथ आपको 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, और रियलमी यूजर इंटरफेस 3.0 के साथ आता है, जो कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ओके, तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, लाइक पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाता है। बात करें मोबाइल फ़ोन के कैमरा सेटअप के बारे में, इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का मैक्रो लेंस, जिसके अंदर आपको टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है। मोबाइल फ़ोन के रियर कैमरे से आप 1080p/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, साथ ही फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट से भी आप 1080p/30fps में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल जाएगा, तो आप इजीली ईयरफोन कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.2, USB Type-C 2.0, और ये स्मार्टफोन आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, आप लॉन्ग टाइम तक मोबाइल फ़ोन को इजीली यूज़ कर पाओगे 18W के वायर्ड फास्ट चार्जर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फ्लैगशिप फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं इस प्राइस पॉइंट पर, साथ ही आपको काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम भी देखने को मिलती है, लाइक इसमें आपको सोलफिल ब्लू, रॉकिंग ब्लैक, गोल्ड, ये तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, बात करें ओवरऑल मोबाइल फ़ोन की बॉडी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको 187g का वेट देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। 8.1mm की थिकनेस, स्लिम भी बहुत ज़्यादा है, और गोल्डन फिनिशिंग के साथ तो आपको काफ़ी ज़्यादा इनहैंडफील प्रीमियम देखने को मिलने वाली है। अंडर 15,000 में आप रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो 5G प्रोसेसर के साथ आपको रियलमी 9i 5G काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है। डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पर। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के बारे में, जो कि रहता है Vivo IQ Z6। इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छे टॉप नॉच लेवल के फीचर देखने को मिलते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे एक्सप्लेन करता हूं, आपको पता लग जाएगा। मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में बात करें, IPS LCD 6.58 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है LCD, जिसके अंदर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट, काफ़ी अच्छी स्मूथनेस फील होने वाली है डिस्प्ले के अंदर आपको, साथ ही 83.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो, साइड बेजल भी आपको डिस्प्ले की काफ़ी ज़्यादा पतली देखने को मिलेंगी। मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6nm के साथ आता है, फनटच 12 एंड एंड्रॉइड 12 पर बेस्ड है, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट हो जाता है इस प्राइस पॉइंट पर। मोबाइल फ़ोन के रियर पार्ट में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP का मैक्रो लेंस, प्लस आपको 2MP का डेप्थ लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 1080p/30fps में आप रियर कैमरे से मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 16MP का फ्रंट में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, इसके साथ ही आप 1080p/30fps में फ्रंट से भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1, USB Type-C 2.0, साथ ही आपको 3.5mm का जैक भी देखने को मिल जाता है, आप इजीली ईयरफोन यूज कर सकते हैं। साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। मोबाइल फोन के अंदर आपको बैटरी 5000mAh की देखने को मिल जाती है, जिसके साथ आपको 18W का वायर्ड फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी कलर स्कीम भी देखने को मिल जाती है, डायनामो ब्लैक, क्रोमेटिक ब्लू, ये दो कलर स्कीम के साथ आता है, लाइक अंडर 15,000 में काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है आपके लिए Vivo IQ Z6। बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर सकते हैं। इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है IQ Z6। ओके, ट्रूली 5G स्मार्टफोन है। अब बात करते हैं दोस्तों इस लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के बारे में,
जो कि रहता है दोस्तों वीवो की तरफ से T1 5G। दोस्तों स्मार्टफोन की बैक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, बिकॉज काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन बैक से लगता है। साथ ही आपको काफ़ी अच्छे लाइक फीचर भी प्रोवाइड कराए गए हैं वीवो की तरफ से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे फीचर एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको IPS LCD 6.58 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही इस डिस्प्ले के अंदर आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 83.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही अब बात करें चिपसेट के बारे में। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको प्रोसेसर ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। 6 नैनोमीटर के साथ आता है फनटेस्ट 12 एंड एंड्रॉयड वर्जन 11 पर बेस्ड है, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी अच्छा चिपसेट भी देखने को मिल जाता है। लाइक आप इजीली अल्ट्रा HD में गेमिंग, मल्टीटास्किंग, लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे। मोबाइल फोन के अंदर आपको कोई भी लैग या फिर हैंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ओके, बात करते हैं मोबाइल फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको लाइक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस भी देखने को मिल जाता है डुअल LED फ्लैश लाइट के साथ। सारे बेसिक कमांड फीचर मोबाइल फोन के कैमरे के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही आप रियर कैमरे से 1080p/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे इजीली। मोबाइल फोन के फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों फ्रंट से भी आप 1080p/30fps तक में मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 3.5mm का जैक भी मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इजीली ईयरफोन भी यूज कर सकते हो। दोस्तों मोबाइल फोन के अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1, USB Type-C 2.0, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, तो काफी अच्छे आपको मोबाइल फोन के अंदर फीचर देखने को मिलते हैं। बात करें बैटरी चार्जिंग के बारे में, इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 18W वायर्ड फास्ट चार्जर के साथ। काफ़ी अच्छी प्रीमियम कलर स्कीम भी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको स्टारलाइट ब्लैक, रेनबो फंटेसी, ये 2 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फ़ोन की लाइक बॉडी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन की बैक आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी विद ग्लॉसी फिनिश। मोबाइल फोन का फ्रेम भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा। ग्लास की प्रोटेक्शन आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगी। 187g का वेट देखने को मिल जाता है एंड डिस्प्ले के अंदर आपको 83.3mm की थिकनेस देखने को मिल जाती है। तो मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी है, तो आपको काफ़ी अच्छा बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन रह सकता है वीवो T1 5G भी। इसको भी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल आपको तीनों स्मार्टफोन के बेस्ट प्राइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप अपनी चॉइस फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन काफी ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।